उस समय अरविंद केजरीवाल जी की बात नहीं मानी गई तो वो निकल गए। इस बार इनकी बात नहीं मानी गई, इनको लगा कि संयोजक का घोषणा हो जाएगा, नहीं हुआ तो निकल गए। अगली बार हो सकता है कि इनको संयोजक का घोषणा कर दें। लॉलीपॉप भी तो दिखाना है। बीजेपी नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने एक बार महागठबंधन से लेकर के पूरे विपक्षी एकजुटता की बैठक को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस, राजद, जदयू सहित वो तमाम संगठनों को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आज इंडिया को लूटने वाले अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखे हैं, जिससे उन्हें कोई फायदा नहीं होना है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित हो रहा है और विकास के कार्यों में आगे चल रहा है। ऐसे में 2024 के चुनाव में पूरी तरह से भारत आगे बढ़ेगा। भारत कहने का मतलब कि नरेंद्र मोदी का भारत। लेकिन ये जो इंडिया को लूटने वाले लोग हैं, आज जिस तरह से एकजुटता दिखा रहे हैं, इसका कोई भी फायदा उन्हें 2024 के चुनाव में नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी बैठक को लेकर के कहा है कि पहले तो पटना में आयोजित की गई बैठक में अरविंद केजरीवाल ने अपनी बैठक का बहिष्कार किया था, उनकी शर्तें नहीं मानी गई थी। और दूसरी बैठक जो बेंगलुरु में आयोजित हुई, वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नहीं चली, जिसके कारण शामिल नहीं हुए। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, आइए सुनाते हैं। उस समय अरविंद केजरीवाल जी की बात नहीं मानी गई तो वो निकल गए। इस बार इनकी बात नहीं मानी गई, इनको लगा कि संयोजक का घोषणा हो जाएगा, नहीं हुआ तो निकल गए। अगली बार हो सकता है कि इनको संयोजक का घोषणा कर दें। लॉलीपॉप भी तो दिखाना है। सब जान रहे हैं कि भ्रष्टाचार में डूबे लोग को भारत की जनता उनको सत्ता नहीं देगी। आप इंडिया बना लिए, इंडिया को लूटने वाले इंडिया के नाम पर लूट की छूट चाहते हैं, तो इंडिया के लोग, भारत के लोग इंडिया को लूटने वाले को, जनता की गाढ़ी कमाई खाने वाले को, उस भ्रष्टाचारी को, उस आतंकवादी, उग्रवादी और अपराधी को संरक्षित करने वाले को, तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त होगी। और इंडिया को अंग्रेजों ने इंडिया कहा था, 21वीं सदी का भारत है, जिसको स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ये 21वीं सदी का भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत बनेगा। भारत की जनता मन मिजाज बना चुकी है, ये इंडिया रख ले या इंडिया के अंदर ही समा जाए, अच्छा है कि दो दलीय व्यवस्था देश के अंदर बनने जा रहा है। ये भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उपलब्धि है कि दो दलीय व्यवस्था, एक दल भाजपा का होगा और एक दल कांग्रेस का होगा। कांग्रेस के बैनर तले तमाम कांग्रेस के विरुद्ध लड़कर के आने वाले जमात खड़े हो गए हैं। ये लोकतंत्र के लिए शुभ तो देखना है कि आसन सदन का कस्टोडियन है, आसन की विश्वसनीयता बहाल रखने की जिम्मेवारी अध्यक्ष की है, और अध्यक्ष से हम लोगों ने आग्रह भी किया है विशेषाधिकार हनन का मामला को देकर के, और कहा है कि विधायिका किसी पार्टी की नहीं होती है, विधायिका संविधान के तहत प्रदत्त अधिकार के तहत जनता की आवाज़ होती है, और इस आवाज़ को कोई दबाने का काम करे, इस आवाज़ को कोई गुम करने का प्रयास करे, तो ये लोकतंत्र की हत्या, और लोकतंत्र के हत्यारे को बकसना नहीं चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर जो कार्रवाई नहीं होती है तो फिर लोकतंत्र में ऐसे लोगों को विश्वास नहीं होगा, ऐसे लोग की विश्वसनीयता घटेगी, ये आने वाला दिन में पता चले। मंत्रिमंडल का विस्तार से अब कोई अंतर पड़ने वाला है क्या? जो एक वर्ष एक व्यक्ति के हाथ में बजट के आधे भाग थमा दिया गया, पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, RWD, आपके नगर विकास, तमाम विभाग एक व्यक्ति के हाथ में लूट की छूट मिली हुई है कि मेरी कुर्सी बरकरार रखो, बाकी जितना लूटना है, बिहार के अंदर विकास हो या ना हो, हमारी कुर्सी बची रहे, सरकार चलती रहे। ये पूरी तरह से सत्ता के लिए, एक व्यक्ति सत्ता में रहने के लिए समझौता कर रहा है, दूसरा व्यक्ति सत्ता से हटाने के लिए संयोजक बनाने के प्रयास में लगा है और एक दूसरे को ठगने में लगा है। बिहार की जनता ठगा रही है, बिहार की जनता का विकास रुक गया, बर्बादी के नायक, इन दोनों से बिहार मुक्ति चाहता है। आने वाला 23-24 के चुनाव के पहले ही बड़ा चमत्कार बिहार में होगा। विशेषाधिकार
कमेटी के अंदर की बात को बाहर चर्चा करना उचित नहीं है, लेकिन विशेषाधिकार विधायकों को जो मिला हुआ है ये विधायिका को मजबूती प्रदान करने के लिए, विधायकों के साथ सौजन्यता प्रकट करने के लिए, विधायक कार्य में कोई बाधा नहीं बने और विधायक की विश्वसनीयता समाज के अंदर बहाल हो, भ्रष्ट पदाधिकारियों के ऊपर अंकुश लगा सके। कहीं न कहीं आज जो स्थिति बन रही है, कई दल के विधायकों पर कई बार लाठीचार्ज हुआ, सदन के अंदर भी विधायकों को जिस तरह से अपमानित होना पड़ा, सदन के बाहर भी 13 तारीख को जिस तरह से लाठियों से पीटा गया और सत्ताधारी दल के मंत्री कहते हैं कि बुकनी किया गया, ऐसी मानसिकता के लोगों के लिए ही विधायक विशेषाधिकार कमेटी है और उस कमेटी के तहत संज्ञान में लेना चाहिए। जब जब प्रशासनिक अराजकता फैलता है तो विशेषाधिकार कमेटी को कंट्रोल करता है और नहीं तो भ्रष्टाचार अपराध चरम पर पहुंचता है और इस कमेटी के माध्यम से निरपेक्ष भाव से ये कदम उठानी चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि विजय सिन्हा ने साफ कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से बीजेपी की जीत सुनिश्चित है, वो बड़ी बहुमत से सरकार बनाने में सफल होगी। आज जो लोग इंडिया को लूटने वाले हैं जिस तरह से एकजुटता की बात कर रहे हैं, उनकी एकजुटता कभी भी सफल नहीं होगी और देश के केंद्र पर उनका कब्जा कभी नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बिहार की सियासत पर तंज कसते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बारे में इशारों में कहा है कि वो अपने बेटा को प्रमोट करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और विपक्षी एकजुटता की बैठक में शामिल होकर के उन्हें संयोजक बनाने को लेकर के कवायद शुरू की है, लेकिन अब तक उनकी बात सही नहीं हो पा रही है और ना ही उनका प्रयास सफल हो रहा है और आने वाले समय में भी ये ऐसा कभी सफल नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई भी विपक्षी दलों के नेता इन्हें संयोजक के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। दर्श न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।